तुसी देख रहे हो इस वेले कंछी टीवी, तुहाडा सारयां दा स्वागत है। जय गुरुदेव, जय भीम। इस वेले असीं पहुंचे हां डॉक्टर बी आर अंबेडकर पार्क हदियाबाद, जिथे कि अज 26 नवंबर संविधान दिवस के उत्ते एक विशाल समागम सीगा। विशाल समागम के विच मुख मेहमान के तौर पर पहुंचे ने डॉक्टर करुणाशील पंते जी। तो इन्होंने बहुत अच्छी स्पीच दी, अच्छे इन्होंने अपने विचार रखे ने। लोड़ है अज समय है अज ए सारे ग्रहण करन दा, ते इन्हां दे आपां भी कुछ लवांगे बोल। सब तो पहला जय भीम, नमो बधाए। जय भीम, नमो बधाए जी। कैसा लगता है आज जैसे 26 नवंबर है, कैसा समाज के लिए ये दिन है, खास करके जिन लोगों से अधिकार छीने हुए थे उनके लिए? देखो, संविधान दिवस तो संविधान दिवस है, लेकिन अच्छा लगने की बात इसलिए नहीं है कि जिनको संविधान जिनके लिए लिखा गया, जिनको अधिकार मिला, वो लापरवाह है, वो इसकी कदर नहीं समझ रहे हैं, वो इस पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण ही पर्व है ये कि हम संविधान को प्रक्योर कर पाएँ, रक्षा कर पाएँ और इसके अधिकारों की वजह को लेकर के हम आगे बढ़ पाएँ। तो ये आम नागरिक की जिम्मेदारी थी, लेकिन हम चूँकि जातिगत मानसिकता है, कुछ डरपोक मानसिकता है, कुछ दब्बू प्रवृत्ति है, या यूँ कहें कि हमारे अंदर डर है, उसकी वजह से बोलते नहीं हैं। जिनको बोलना चाहिए था वो शिक्षित वर्ग था, वो डरपोक बन गया। अब जो बोल रहा है वो जान नहीं रहा है, इसलिए जो संविधान को खराब करना चाहता, ख़त्म करना चाहता, वो निर्भय हो गया। वो जानता है कि जो संविधान बचा सकता है वो लड़ नहीं रहा, और जिससे संविधान बच नहीं सकता वो बचाने के तरीके नहीं जान रहा, इसलिए वो तो निश्चिंत है। लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि हम संविधान को बचाएं और लोगों को जागृत करें। क्या कहना चाहते हैं, आज जो पढ़ा लिखा वर्ग है, जो संविधान की वजह से, अधिकारों की वजह से, कोई बात नहीं है, आज पढ़ा लिखा आज आनंद मार रहा है ऑफिसर शाही में या लीडरी में, उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? वो लोग आज आराम से सो रहे हैं, फिर भी जो आम लोग हैं वो मना रहे हैं, वो याद कर रहे हैं संविधान दिवस को, बाबा साहब को याद कर रहे हैं। मैं तो ये कहना चाहूँगा, जो आज आनंद में है, जो नौकरियों में है, वो अपनी आँखों के सामने अपनी संतानों को बर्बाद होते देखेंगे, तब उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। वो अपनी आँखों के सामने अपने ऊपर ही जुल्म होते देखेंगे, तब गलती का एहसास होगा। आज हमारे कहने से एहसास नहीं होगा, और अब हो भी गया, कुछ लोगों को हो भी गया है, नौकरी से बाहर निकाला गया है, पढ़ाई के बाद भी नौकरियां नहीं हैं, पैसा हाथ में है, एडमिशन नहीं है, पढ़ने के अवसर नहीं है, यात्रा करने के साधन नहीं है। तो एहसास तो हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ा देर लगेगी, सोए हुए लोग जागेंगे, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग जागेंगे और संविधान बचेगा और फिर दोबारा देश को साल होगा। संविधान अगर बराबरता चाहता था तो 75 साल की आज़ादी में बराबरता आई क्यों नहीं है देश में, क्या मानना आपका? संविधान ने बता दिया कि समानता का व्यवहार करें। हम खुद बेईमान हैं, हम अपने जीवन संगनी के साथ बराबरी का व्यवहार नहीं कर रहे, इसलिए महिलाओं के साथ बराबर का व्यवहार नहीं कर रहे। हम अपने भाई को अधिकार नहीं दे रहे, इसलिए हम अपने भाईचारे को नहीं बना पा रहे। हम जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते को मजबूत नहीं कर पा रहे ताकि दूसरों को अवसर मिल जाए, इसलिए हमारे रास्ते बंद होते जा रहे हैं। हम बेईमान हो गए, जिसने अधिकार लिया वो बेईमान हो गया, इसलिए आम आदमी अधिकारों से वंचित हो गया। हर तरह की खबर सब तो पहला वेखन लई सब्सक्राइब करो चैनल कांशी टीवी, हर अपडेट का संकेत मिलता रहे दबाओ बैल आइकन, लाइक करो फेसबुक पेज कांशी टीवी।